नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम आप हमारे बीच में हैं और आपका विवाह चंडीगढ़ में 1988 में संपन्न हुआ। हम आपसे भाई विवाह के विषय में कुछ जानना चाहेंगे। आप हमें ज़रा बताएंगे कि भाई विवाह क्या है और यह किस तरीके से संपन्न होता है। धन्यवाद बहुत बहुत मंजू जी। मेरा पूरा नाम जनक पलटा मगिलिगन है। 27 नवंबर 1988 को मेरा विवाह उत्तरी आयरलैंड के एक ब्रिटिश नागरिक जिमी मगिलिगन, वो भी बहाई धर्म के अनुयायी थे और मैं भी बहाई धर्म की अनुयायी थी, इसलिए हमारा बहाई विवाह हुआ। तो अपने यहाँ आम तौर पर लोग विवाह को बहुत कई तरीके से संपन्न करते हैं। कोई लोग मैट्रिमोनियल निकलवाते हैं, कोई लोग वर ढूंढते हैं, कोई लोग शादी.com पे जाते हैं। लेकिन हम दोनों क्योंकि बहाई थे तो बहाई नियम के अनुसार हम दोनों को जो गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन है, वो ये है कि एक बहाई जिस दूसरे बहाई से या जिससे भी शादी करते हैं उसके चरित्र के बारे में हमें अच्छे से पता हो, उसके स्वभाव, उसका जो भी उसका व्यवहार है, तो उसके सद्गुणों के बारे में पता हो, ताकि एक पूरा जीवन साथी है वो। और बहाई लेखों में लिखा गया है कि मानवता एक पक्षी है और स्त्री और पुरुष उसके दो पंख हैं। तो वो दो पंख मिलते हैं बहाई शादी में, लेकिन बहाई शादी एक बार लड़का और लड़की या लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं तो वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोनों माता पिता के कारण ही बेटा बेटी होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, और ईश्वर के बाद उनके आशीर्वाद आगे दुनिया में प्रेम और एकता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जानना चाहूँगी आपसे कि शादी के पहले लड़की लड़के के चरित्र के विषय में, लड़के की खासियत के विषय में, उसकी चारित्रिक विशेषताओं के विषय में कैसे जान सकती है? देखिए, ऐसा है कि आम तौर पर पुराने ज़माने में जब, जैसे हम लोग भारत में हैं, तो हमारे यहाँ तो लड़का लड़की एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। हमारे यहाँ शादी एक व्यवस्था थी जो माँ बाप तय करते थे। अभी लड़का लड़की वयस्क होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को आम तौर पर बहाई सेवा कार्यक्रमों में, बहाई सभाओं में, जैसे दिल्ली मंदिर पे आप सेवा करने गए, लोटस टेंपल पे, या आप किसी कार्यक्रम में मिले, प्रार्थना सभा में मिले, तो आप कुछ समय एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, दिल में बात रखते हैं, लेकिन उसको समझते हैं एक दूसरे को। जब दोनों समझ लेते हैं तो दोनों में से कोई जाना इस बात को आगे रखता है और दोनों को जब लगता है कि सहमत हैं। लेकिन यहाँ एक फ़र्क मैं बताना चाहती हूँ कि आम तौर पर हमारे देश में शादी के मैट्रिमोनियल निकलते हैं, लोग लड़का लड़की ढूंढते हैं, लड़की को ऐसा लगता है कि एक वो लड़का जो फिल्मी हीरो जैसा लगता हो, कितना लंबा हो, कितना कैसा दिखता हो, कितना उसके पास गाड़ी कैसी है, उसके पास घर कैसा है, और लड़का कहता है कि लड़की पतली कितनी हो, गोरी कितनी हो, नैन नक्श कैसे हो, दिखती कैसी है, फिर वो कहेगा लड़की होमली चाहिए, पढ़ी लिखी हो पर होमली चाहिए। होमली चाहिए का मतलब ये है कि लड़की केवल घर में आके वो होम संभाले या एक घर में काम करने वाली लाना, लेकिन पूरे जीवन का ये निर्णय है बहाई धर्म में शादी को। एक तो ये कि विराग का जीवन नहीं है बहाई संसार में। इस युग में वो समय ख़त्म हो गया है जब विराग ज़रूरी था, हमारी चार व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज पति पत्नी का रिश्ता इस सृष्टि को चलाने के लिए ईश्वर के अवतार ने, बहाउल्लाह ने ये सृष्टि को चलाने के लिए एक सबसे बड़ा आशीर्वाद इस दुनिया को दिया है कि आप दोनों विवाह के बंधन में बंधो
और उस ईश्वर को याद रखने वालों को पैदा कर सके, जो उसका विकास दुनिया का कर सके, अपना और चरित्रवान बच्चे पैदा हों, सद्गुण बच्चे पैदा हों और सद्गुण दोनों मिलके अच्छा संसार चला सकें। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पति पत्नी मिलकर जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें खुद, बच्चे तो बाद में होंगे, तो जीवन को एक एक संतुलन कैसे बना के रखना है। बहाई शादी में पहली बात है कि कोई भी प्रपंच नहीं है, कोई भी लेन देन नहीं है, लड़का लड़की दोनों एक पक्षी के दो पंख हैं, तो उनके माता पिता भी दोनों समान हैं, तो दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं है। आम तौर पर जैसे हमारे देश में होता है कि सारी उम्र लड़के वाले बताते रहते हैं कि क्या करना है और लड़की वालों को वो सारी उम्र मानना पड़ता है, तो उनके पास ऑप्शन और चॉइस नहीं रहती। अभी बड़ी बड़ी शादियों में हम लोग देश के इतने बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो उनको भी कहना पड़ता है कि हम बेटी वाले हैं, हमारे से गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो गलती तो दोनों को शादी के टाइम पर कहने की ज़रूरत नहीं, शादी करके दोनों को ध्यान रखना है। बहाई शादी में सिर्फ एक 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 मंत्र दोनों बोलते हैं। क्या मंत्र है वो बताएं? मंत्र है, हम सब ईश्वर के आदेश से प्रतिबंधित हैं। बहाई शादी पति पत्नी के बीच एक पवित्र, बस एक सूत्र है और ये सूत्र पे पूरे जीवन चलना है। ये प्रतिज्ञा हम ईश्वर से करते हैं और पति पत्नी एक दूसरे से करते हैं कि हम ईश्वर के आदेश के प्रति। तो जब ईश्वर के आदेश की बात हमारे सामने रहेगी तो हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर को याद रखना और उसके दिए हुए नियमों पर चलना है, दुनिया को सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करने का सबसे पहला। संसार परिवार से चलता है और परिवार शादी से शुरू होता है। इस विवाह में किस किस की सहमति जरूरी है? जीवित माता पिता की, दोनों पक्षों में, दोनों जीवित जिसके माता पिता हैं वो उनकी सहमति लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, और शादी में भी वो होते हैं तो ज़रूर उपस्थित रहते हैं। और व्यवस्था में अपने जो रिवाज, जो सांस्कृतिक रिवाज है हम कर लेते हैं, लेकिन बहाई शादी में क्योंकि देना लेना नहीं है, एक लड़की वाले एक लड़के वाले ऐसा नहीं है। शादी को एक बहाई धर्म में नशा नहीं करते, तो बहाई शादी में नशे का कोई काम नहीं है, और बहाई शादी में एक दूसरे की, दोनों की इज्जत करना है। पति पत्नी परस्पर संबंध रखेंगे, परस्पर प्रेम रखेंगे, परस्पर एकता रखेंगे, क्योंकि ये संबंध, ये कहा गया है बहाई लेखों में कि विवाह और परिवार, विवाह पति पत्नी के लिए उनके खुद के और उस सब परिवार के कल्याण का, एक कल्याण का और सुरक्षा का एक दुर्ग है। एक सुरक्षा पाते हैं दोनों जीवन में जब एक अनुशासन पे चलते हैं, तेरा मेरा नहीं हमारा। एक तो सादगी है, दूसरा प्रेम है, एकता है। आगे उन्होंने ये कहा, सारे निर्णय जीवन में परामर्श से करने हैं, दोनों एक दूसरे की उन्नति होने दो, दोनों के अपने अपने जीवन के कुछ उद्देश्य हैं। एक तो वो हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य दोनों का एक है कि हमें ईश्वर की तरफ जाना है, उसकी दुनिया का कल्याण करना है, परिवार को अच्छा बनाना है, बच्चों को अच्छा बनाना है। लेकिन एक जीवन जीने का, क्योंकि बहाई धर्म में जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की पूर्ति करना है। वो पति की जिम्मेवारी है कि परिवार को चलाने के लिए भौतिक साधनों का भी उसके पास संतुलन बना के चलना है, संतुलन, और उसका इस काबिल होना चाहिए कि वो परिवार को कमा के खिला सके, और पत्नी को भी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलाएं। अगर दोनों आज एक प्रोफेशन में भी हैं तो दोनों अपने अपने, एक कोई डॉक्टर बन रहा है या दूसरा शिक्षक बन रहा है, तो दोनों के अपने अपने उद्देश्य हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अपने उद्देश्य में
अपने जीवन की जो प्रगति या एक अभिलाषा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो खेल पसंद है, तो खेल में भी आनंद ले सके, दोनों एक दूसरे की तरक्की में मदद करें और अपनी अपनी एक दूसरे की तरक्की भी होने दें, बाधा नहीं आए, जहाँ प्रॉब्लम आए मिलजुल के बात करें। ईश्वर ने नर और मादा पशु पक्षी के लिए बनाए हैं, पेड़ पौधों के लिए बनाए हैं, वनस्पति जीवन में भी बनाए हैं। तो नर नारायण की बात और ये जोड़ी की बात है, हर एक में देखने को मिल रहा है, हर एक में देख को मिलेगी, सद्भावना उसी से शुरू होती है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा चुनौती है शादी के व्यवस्था करने में, अभी शादी में बहुत कचरा करते हैं हम लोग, शादी में इतना फजूल खर्च, इतना दिखावा, इतना वेस्टेज करते हैं, इतने डिस्पोजेबल आइटम यूज़ करते हैं, बहुत सारी अनावश्यक एक एक किलो का निमंत्रण कार्ड बनाते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। दूसरा आता है शादी का कचरा नहीं करना, शादी में कचरा नहीं करना, शादी का अपने रिश्तों का कचरा नहीं करना, क्योंकि जीवन में अगर सारी उम्र की गिनती लगाएं तो सबसे लंबा रिश्ता पति पत्नी का है। वो दोनों पति पत्नी ये कोशिश करें कि हम एक दूसरे को दुख कैसे ना दें। जब एक दूसरे को दुख नहीं देंगे और एक दूसरे के सद्गुण के लिए उसको प्रेम करने लगेंगे, तो सुख की प्राप्ति एक दूसरे की और अपनी दोनों की सुख की प्राप्ति होगी। बहाई विवाह दुनिया में सिंपल है, सरल है, और ये मैं उसको बोलती हूँ ये सस्टेनेबल है, ये हमेशा निभने वाला है, जो हमेशा निभेगा, साथ निभेगा। पुराने ज़माने में लोग कहते थे सात जन्म का रिश्ता, पर बहाई रिश्ता तो अनंत जीवन का रिश्ता है, दैविक लोक का रिश्ता है। और दोनों पति पत्नी एकता और सद्भावना के प्रतीक बने रहे पूरा जीवन। कहते हैं बाह्य विवाह में पूर्व और पश्चिम दोनों का समन्वय देखने को मिलता है, इस पर जरा प्रकाश डालेंगे। ये बहुत अच्छा कहा आपने, पूर्व पश्चिम की भी बात है, जाति धर्म को भी लेके बात है, और प्रांत की भी बात है, दर्जे की भी बात है। बहाई धर्म में कोई दीवार नहीं है, बहाई एक इंसान के चरित्र के साथ और जहाँ उसका मन मिल जाए और जहाँ उसकी आत्मा मिल जाए और फिर तन दोनों को मिलाना है, वो बहाई विवाह की प्राप्ति का रास्ता है, और उसमें कुछ और नहीं चाहिए। हर प्रकार की दीवारें जो मनुष्य ने बनाई हैं उन सब दीवारों से ऊपर उठ, दीवारें रहेंगी ही नहीं अगर की प्रांतों वासुधैव कुटुंबकम की स्थापना करने के लिए बहाई विवाह एक आदर्श रास्ता है, जिसमें हमें कोई सीमा नहीं, हमने सारी हम कोई दीवारें तोड़ नहीं रहे, हम तो दीवारें बनने ही नहीं देंगे, ऊपर उठ रहे हैं। दीवारें तो खड़ी करना ही नहीं है और तोड़ना भी नहीं है, हम तो सबसे ऊपर उठना है, हम सबसे हमको, हाँ ये तो अपने जीवन के जैसे कहते हैं कि हमें ओवरकम करना है, तो दोनों मिलकर विजय पानी है। और इसके अंदर संयम से रहना होगा, भगवत गीता में भी लिखा है संयम। लेकिन इसमें कोई ऐसे रिश्ते में ये दिक्कत नहीं है कि आप क्या दे रहे हो, आप क्या दोगे मुझे, हम एक दूसरे को क्या देंगे। एक दूसरे की खुशी के लिए जब कोशिश करते रहेंगे दोनों बराबरी से, तो बहुत सुख और संपत्ति सब आएगा वहाँ पर। बहुत खूब कहा आपने, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की खुशी के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए ही तत्पर रहते हैं और रहना चाहिए। धन्यवाद।